इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आपके जूम एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन शेयरिंग की प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन शेयरिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है सबसे नीचे अबाउट, तो अबाउट को भी यहाँ पर आपको खोल लेना होगा। अबाउट को खोलने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर दिख जाएगी रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो रिपोर्ट प्रॉब्लम पर आपको फिर चले जाना है और रिपोर्ट प्रॉब्लम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी सबसे ऊपर ही मीटिंग, तो मीटिंग पर आपको चले जाना है फिर और इसे नेक्स्ट करके दोबारा खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी स्क्रीन शेयरिंग, तो यहाँ पर आपको टिक करके स्क्रीन शेयरिंग की प्रॉब्लम को बस यहाँ पर आपको लिख देना है और इसे सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फीडबैक चला जाएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर देंगे खुद ही। और फिर आपको क्या करना होगा, फिर भी ठीक नहीं होती है तो फिर आप प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर जूम एप्लीकेशन को सर्च करिए, अगर यहाँ पर अपडेट मिलता है तो अपडेट कर लीजिए, उसके बाद तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ अब भी ठीक आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर क्या करिएगा, यहाँ से बैक लाइएगा और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा और ऐप्स में जाइएगा। ऐप्स में जाने के बाद मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर आपको जूम एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है या फिर इसको फाइंड कर लेना है। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ और इसे खोलने के बाद बस यहाँ पर इसको फोर्स स्टॉप मार दीजिएगा। और अगर अब भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो सबसे एंड में आप क्या करिएगा, यहाँ से डेटा क्लियर कर दीजिएगा। जैसे ही आप डेटा क्लियर करेंगे आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इसका रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।